नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपकी तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान लेकर। खबर फास्ट की खास पेशकश आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे वायरल फीवर और उससे होने वाली कमजोरी के बारे में। अमूमन देखा गया है कि मौसम का बदलता मिजाज कई बार हमारे लिए परेशानियां लेकर आता है। वायरल बुखार मौसम के बदलते मिजाज का ही परिणाम है। जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता है उसके साथ ही कई बार शरीर में भी कई प्रकार के बदलावों की शुरुआत हो जाती है। मौसम में अचानक हुए इस बदलाव की वजह से ही वायरल बुखार का प्रकोप देखने को मिलता है। वहीं वायरल फीवर में संक्रमण की स्थिति कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकती है। फीवर में कई लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, इसलिए अक्सर वायरल फीवर के बाद कमजोरी हो जाती है, लेकिन खाना छोड़ने से बीमारी और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो वायरल फीवर में कम मात्रा में कई बार खाने का सेवन करें और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब पानी पिएं। इसके अलावा वायरल फीवर में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए इसका उपचार, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बना रही है, किस तरह से ये सेवाएं जन जन तक पहुंच रही हैं, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार, मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ मुफ्त दवाएं मिल रही हैं, जागरूकता मुहिम का असर दिखाई दे रहा है। मनोहर सरकार के प्रयास बेहद असरदार, जन जन तक ये सुविधाएं पहुंच रही हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। सीएससी और पीएससी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ा दिया है, मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ मुफ्त दवाएं भी आम जनता को दी जा रही हैं और आम जनता पूरी तरह से लाभान्वित हो रही है। मनोहर सरकार लगातार स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर प्रयास कर रही है, जो बेहद असरदार दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। तो कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार दिया जा रहा है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट आम जनता को दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार किया गया है। तो हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार के प्रयास बेहद असरदार और आम जनता लगातार इससे लाभान्वित हो रही है। बीपीएल कोरोना संक्रमितों को 5,000 रुपए मिले हैं। निजी अस्पतालों में भी जो सेवाएं हैं वो बढ़ा दी गई हैं। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है। तो कोरोना काल में भी मनोहर सरकार ने अपने प्रयास बेहद असरदार रखे, जिससे कि आम जनता लाभान्वित हुई। चलिए, पलवल से सीनियर पैथोलॉजिस्ट एमडी एमबीबीएस डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। प्रशांत गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद आपका भी। जी प्रशांत जी, आज हम बात कर रहे हैं वायरल फीवर के बारे में। जिससे आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और बदलते हुए मौसम में वायरल फीवर होना एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी होती है, लेकिन इसकी वजह से वीकनेस भी बहुत ज्यादा बॉडी में हो जाती है। तो किस तरह से होता है वायरल फीवर और किस तरह से इसे बचा जा सकता है? वायरल फीवर से बचने के लिए इस समय पे लोगों को अपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि जो है वो चेंजिंग मौसम, जो इस समय पे मौसम चेंज हो रहा है, उसके अनुसार अपने कपड़ों को पहने और उसमें कोई कोताही ना बरते, क्योंकि कभी सर्दी हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। तो उसके हिसाब से अगर वो रखेंगे तो अपने आप को बचा सकेंगे। साथ ही साथ ठंडी चीजों का सेवन एकदम से शुरू ना करें, क्योंकि उससे गला पकड़ जाता है और वायरल फीवर के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल, अपने दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर जो हैं वो फ्लैश हो रहे हैं। आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने तमाम स्वास्थ्य संबंधी सवालों का जवाब आपको इस कार्यक्रम में जरूर मिलेगा। लगातार प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम देखते हैं कि वायरल फीवर की वजह से और भी बॉडी में पेन हम महसूस करते हैं, चाहे वो बॉडी पेन हो या फिर हड्डियों में भी दर्द महसूस होता है और इतनी ज्यादा वीकनेस जो है हो जाती है, तो किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? कि कई बार ऐसा देखा गया कि बुखार तो ठीक हो जाता है लेकिन वीकनेस जो है वो ठीक नहीं हो पाती। देखिए, संतुलित आहार अगर हम लेते हैं तो उससे हम काफी हद तक इन सब बीमारियों को जल्दी काबू कर सकते हैं। मेरा सुझाव रहेगा कि इस समय पे नींबू का पानी का सेवन शुरू कर दिया जाए,
क्योंकि नींबू पानी जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। साथ ही साथ इस समय जो आ रहे हैं फल, कुछ सिट्रस फ्रूट्स भी इस समय मार्केट में, जैसे संतरा हो गया या फिर अमरूद हो गए, तो इनको भी, इनका सेवन भी हमें जो है स्वस्थ रखेगा और साथ साथ में हमारे को इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे को बूस्ट करके रखेगा। जी, तो डॉक्टर प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी और किस तरह की बीमारियां जो है हो सकती हैं, क्योंकि आज हम बात करें कि बदलते मौसम में किस तरह की बीमारियां, बीमारियों से हम दो चार हो सकते हैं, किस तरह की हम तैयारी रखें, कि क्योंकि देखा गया कि कोल्ड होना भी बहुत ही आम हो जाता है, बॉडी पेन बहुत आम होता है, तो किस तरह से क्या क्या सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए कि इस तरह की समस्याओं से हमें दो चार ना होना पड़े। देखिए, इस समय पे वायरल फीवर के साथ साथ में मलेरिया के चांसेस भी धीरे धीरे बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस समय मच्छर धीरे धीरे पनपने शुरू हो गए हैं, तो हमें मच्छरों के बारे में जरूर जो है एहतियात बरतनी चाहिए कि मच्छर से हम बच कर रहें। उसके लिए मच्छर आपका डेंगू, चिकनगुनिया, अलग अलग मलेरिया तरीके की कई तरीके की बीमारियां फैलाता है, तो उससे बचने के लिए हमें मच्छर को काबू में रखना चाहिए। चाहे उसके लिए हमें ओडोमास जैसी चीजें अपने शरीर पे मल के रखें, या फिर जो है हम अपने रेपेलेंट्स वो अपने घरों में यूज करें। और इस समय पे जो चेंजिंग मौसम है, इस समय हमारे सबसे ज्यादा वायरल फीवर, मलेरिया, इसी का खतरा बना हुआ है। कोरोना का खतरा काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन ये है कि जैसे ही पाबंदियां खुलती हैं कुछ महीनों बाद दोबारा से कोरोना की चपेट आ सकती है, तो उसकी एहतियात भी हम समय समय पर बरतते रहें और उस अपना ध्यान रखें, और जितना हम इधर उधर ना घूमें और अपना स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, और अच्छा फूड, मतलब एक बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है उसके लिए। जी बिल्कुल, तो इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर गोपाल गोयल जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गोपाल गोयल जी, जिनसे डिप्टी CMO है, ये स्वागत करना चाहूंगे आपका खबर फास्ट पर। डॉक्टर गोपाल गोयल जी, धन्यवाद जी। जी डॉक्टर गोपाल, हम बात करें वायरल फीवर के बारे में कार्यक्रम में, और जिससे हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और वायरल फीवर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली लोगों को परेशान कर रहा है, तो किस तरह से बचाव करना चाहिए वायरल फीवर से? देखिए, मैं आपके साथ दिल से बताना चाहूंगा कि आजकल के सीजन में वायरल फीवर काफी फैल, लेकिन वायरल फीवर से ज्यादातर केस में घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। जी, जैसे कि अभी हमारे यहाँ कोविड भी आया था, कोविड भी एक तरह का वायरस ही है। बिल्कुल, लेकिन बहुत कम वायरस ऐसे हैं जो जानलेवा होते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ फैलता रहता है वायरल फीवर। वायरल फीवर में घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। जो एडल्ट है हमारे, अगर उनका टेम्परेचर 103 103 डिग्री से कम है तो बहुत ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं होती। 103 से ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। इसके अलावा वायरल फीवर में पैरासीटामोल एक ओवर द काउंटर ड्रग है जो हम घर पे रख सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को कभी कोई पैरासीटामोल से अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है तो पैरासीटामोल घर पे रख के, पैरासीटामोल लेने के बाद आप अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में निश्चित रूप से दिखा देना चाहिए। देखिए, वायरल फीवर में क्या है, मेनली सारा शरीर दुखता है, बुखार होता है, बदन दर्द होता है, सिर दर्द होता है, उल्टी आ सकती है, गर्दन में स्टिफनेस हो सकती है, तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो इसके लिए सिंपल से प्रिकॉशन हमने लेने हैं कि जब भी आपको फीवर हो, चाहे वायरल हो या कोई भी फीवर हो, आपको खूब सारा पानी पीना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिहाइड्रेशन। कई बार जैसे अब गर्मी का मौसम आने वाला है तो इसमें वायरल फीवर भी हो सकता है और हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, वो भी एक बुखार की वजह हो सकती है। बिल्कुल, तो कोई भी रीजन रहा हो, आपको खूब सारा पानी पीना है। पानी ना पिया जाए लिक्विड ले सकते हैं, अगर आपको शुगर नहीं है तो मीठा पानी, नींबू शिकंद ले सकते हैं, शुगर है तो बिना मीठे का ले सकते हैं। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको खूब सारा पानी पीना है, पैरासीटामोल लेनी है, नजदीकी डॉक्टर को दिखाना है। एक कुछ लोग सिंपल के टेस्ट करने होते हैं, अगर टेस्ट के बाद हमें पता चल जाता है कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है या इन्फ्लेमेटरी है या कुछ और है, जो एग्जैक्ट काज जो फीवर का है वो तो टेस्ट से पता चलेगा। और अगर यूजुअली वायरल है तो इसमें कई बार गला भी खराब होता है, कई बार नहीं भी होता, तो अगर गला खराब है तो भी डॉक्टर को सलाह लीजिए। लेकिन वायरल फीवर में ज्यादा घबराने की बात नहीं होती, ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है। इसमें 5 से 7 दिन का एक नॉर्मल कोर्स होता है, जैसे कोविड में भी था कि ज्यादातर केस 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते थे, ऐसे कोई भी वायरल फीवर हो
वो 5 से 7 दिन का एक सेल्फ लिमिटिंग कोर्स होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हाइड्रेट रखने, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए क्योंकि मौसम बदल रहा है, एकदम से हम सर्दी से अब गर्मी की ओर जा रहे हैं, तो बॉडी में भी इस तरह के चेंजेस होना आम बात है, लेकिन उन चेंजेस को एक्सेप्ट करके जिस तरह से मौसम बदल रहा है उसके साथ अपनी आदतें भी बदले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत जी आपसे जानना चाहूँगी, फीवर की बात कर रहे हैं हम और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत तरह के फीवर जो है वो होते हैं, तो उसके ऊपर भी एक नज़र डालना चाहूँगी कि किस किस तरह के फीवर हो सकते हैं, और कई बार हम ये भी देखते हैं कि वायरल फीवर जो है वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, 7-8 दिन में यदि वायरल फीवर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर किस तरह के संकेत हैं ये? नहीं, अगर जो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके का फीवर है जी। वायरल फीवर में हमारे पास आते हैं हेपेटाइटिस, जो कि जो खान पान के कारण जो होता है हमारे, और साथ साथ में जो हमारे खांसी जुकाम के फीवर हैं वो वायरल में आएंगे, कोरोना वायरस में आएगा, RSV के इन्फेक्शन हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन है, वो वायरल इन्फेक्शन है जो इस समय चेंजिंग मौसम के साथ में काफी होते हैं। बाकी मैंने आपको बताया इस चेंजिंग मौसम के साथ साथ में हमारे मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, तो हमें अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान देना है जिससे हम जो है इन चीजों से बच सकते हैं। अगर जैसे सबने भी बताया कि अगर हम हाइड्रेटेड रहेंगे, अपना खाना अपना पानी जो है बार बार सेवन करते हैं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं तो उससे भी हमारे को इन बीमारियों से निजात मिलती है। साथ ही साथ मैंने बताया आप चेंजिंग मौसम के हिसाब से अनुरूप अपना कपड़े पहन के रखें ताकि एकदम से ठंड या गर्मी या फिर आप कोई भी ठंडी चीज एकदम से कंज्यूम करना शुरू ना करें, जैसे कि जो आइसक्रीम वगैरह है, अभी बच्चे एकदम से आइसक्रीम लेने लग जाते हैं, उससे भी जो इस तरीके के रोग होने की आशंका रहती है, तो इनसे बचाव बहुत जरूरी है। और अगर हम अपना थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो बचाव जल्दी होगा, बजाय इसके कि हम जब फीवर हो जाए उसके बाद उसका उपचार कराएं। बिल्कुल, उपचार बाद में नहीं होना चाहिए, पहले से ही सावधानियां जो हैं वो बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस जैसे मौसम में अब बदलाव हो रहा है, वायरल फीवर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली अब देखा जाएगा कि हर दूसरे इंसान को वायरल फीवर जो है अपनी चपेट में लेना चाहेगा, लेकिन आप यदि सावधानियां बरतेंगे तो फिर आप अपनी बॉडी को भी हाइड्रेट जो है रखिए और खूब सारा पानी पीजिए ताकि वायरल फीवर आपको ना हो। डॉक्टर गोपाल गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखा गया कि कोल्ड एंड कफ भी बहुत ज्यादा ही देखने को मिलता है जब हम मौसम चेंजिंग की बात करते हैं, और इस बदलाव के साथ ही कोल्ड एंड कफ की बात करें और पूरे बॉडी पेन की बात करें तो इससे की भी मुश्किलों से हमें दो चार होना पड़ता है, तो किस तरह से कफ एंड कोल्ड से बचाव किया जा सकता है, क्या जो घर में नुस्खे होते हैं क्या वो हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि जैसे से कहा जाता है कि अदरक का इस्तेमाल कीजिए, तुलसी का इस्तेमाल कीजिए, तो इस तरह की जो छोटी छोटी सावधानियां हैं कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि यूजुअली कफ एंड कोल्ड ना हम URC बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी कटार, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ही होता है जिसके अंदर हल्का सा बुखार होता है, जैसे बॉडी दुखती है, बहुत तेज बुखार ना भी हो तेज हो भी सकता है। इसमें मेन सिम्टम होते हैं कि नाक से लगातार पानी बहता है, गले में खराश हो सकती है, खांसी हो सकती है, तो इसके अंदर वही प्रिकॉशन है। अब कोविड ने हमारे सारे समाज को इतना सेंसिटाइज कर दिया है कि ये एक से दूसरे को फैलता है, अपर रेस्पिरेटरी कटार है, वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें क्या है, अगर आपको हो गया तो आप घर के और मेंबर से बच के रहिए, खूब सारा पानी पीजिए, ठीक है, और एक से दूसरे को ये जरूर फैलता है तो आप दूसरे बंदों से बच के रहिए, अपना टावल अपना हैंडकरचीफ वो अलग रखिए, बिल्कुल पानी पिए, पैरासीटामोल लीजिए, और एक सिंपल सी जो लिवोसेट्रिजिन सेट्रिजिन एंटी एलर्जिक दवाई है वो सफिशियंट रहती है। यूजुअली एंटीबायोटिक्स की इसमें कोई जरूरत नहीं होती, आपको रेस्ट करना है, पानी पीना है, पैरासीटामोल लेना है और एक सिंपल सी कफ की दवाई। बिल्कुल, रेस्ट करना है और हाइजीन बरतनी बहुत जरूरी है। हमारे देश में उसके हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है, जैसे आप अदरक वाली चाय पी सकते हैं, तुलसी की चाय पी सकते हैं, उस गर्म पानी पी सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी आयुर्वेदिक में काढ़े हैं, वो भी अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं कई बार, और अगर आप कुछ भी नहीं लेंगे तो भी आप ठीक हो जाएंगे। यो है कि आपको थोड़ा सा जुकाम रहेगा, हल्का बुखार रहेगा, तो आप इसकी दवाई लेते रहिए, रेस्ट करिए, आइसोलेट करके रखिए, औरों के आसपास बच जाइए, तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं। बिल्कुल, इन्फेक्शन से बचना चाहिए और बाकी लोगों को भी बचाना चाहिए। एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, रोहतक से हमने कॉल किया है, हमें बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार,
सर 2-3 दिन से सर बुखार हो रहा है और सर दवाई लेता हूँ तो सही रहता है सर पूरे दिन, फिर शाम को फिर बुखार हो जाता है सर, ऐसे दिक्कत आ रही है जी बार बार। डॉक्टर गोपाल गोयल जी क्या जवाब हो सकता है? देखिए आपको 2 या 3 दिन से बुखार है, अगर आपको खांसी जुकाम है आप बताएंगे प्लीज कि खांसी जुकाम है आपको? ये सर बस सर बुखार हो रखा है, मतलब थकान से शुरू होता है फिर बुखार हो जाता है सर, फिर सही हो जाता है। देखिए खांसी, आपको खांसी जुकाम नहीं है सिर्फ बुखार है। तो देखिए एक बात तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी कोविड के कुछ इन्फेक्शन अपने एरिया में है, तो आप एक बार निश्चित रूप से आपका आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूर कराएं। कोविड इतना ज्यादा नहीं है लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं हुआ है, अभी भी कुछ केस आ रहे हैं, एक तो काम आप ये, इसके अलावा आप अपना मलेरिया टेस्ट कराइए, अगर दोनों ठीक आते हैं तो 99% चांस है कि आपको वायरल फीवर है। अब इस वायरल फीवर में आपको क्या करना है कि अभी आपको 2 से 3 दिन हुए, आप मान के चले कि 5 से 7 दिन आपको फीवर हल्का हल्का रह सकता है, आप पैरासीटामोल जरूर लीजिए। इसके अलावा आप एक बार नागरिक अस्पताल है रोहतक में, आप वहां भी दिखा सकते हैं, आपके सारे टेस्ट कर देंगे। कि कई बार क्या होता है कि कोई और भी रीजन बुखार का हो सकता है, बुखार के रीजन सिर्फ वायरल नहीं होता, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी, कोई इन्फ्लेमेटरी रीजन भी, कोई और बहुत सारे रीजन है। तो एक बार आप 2 दिन तक और वेट करके आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए और एक मलेरिया, अगर ये नेगेटिव आते हैं तो बाकी टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, अगर वायरल होगा तो तब तक आपका उतर जाएगा। पैरासीटामोल जरूर लीजिए और बाकी एक बार आप जरूर। तो अरविंद जी हम उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और लगातार हम बात करें कि वायरल फीवर में किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखा गया है कि जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज होती है वो ऑलरेडी बड़े सेंसिटिव होते हैं और इस बदलते हुए मौसम में उन्हें किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए कि वायरल फीवर ना हो, और यदि हो भी जाए तो फिर किस तरह से उपचार करना चाहिए? देखिए बीपी और डायबिटीज के मरीजों को हर समय अपना स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बीपी बढ़ा रहेगा तो उनका इम्यूनिटी डाउन रहेगी, और डायबिटीज के मरीजों में भी अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो उनकी इम्यूनिटी डाउन रहेगी। तो ऐसे समय पे उन्हें अपने बीपी को और डायबिटीज मतलब शुगर को कंट्रोल करके रखना चाहिए। जो डॉक्टर की सलाह से जब स्टैंडर्डाइज उनकी डोज हो जाती है और उनका बीपी या शुगर एक लेवल पे रहता है तो उस दवाई को कंटिन्यू रखें और समय समय पर अपनी जाँच कराएं, ताकि आपको पता रहे कि आपका बीपी है, आपका जो शुगर है वो कंट्रोल्ड है, वो ज्यादा बढ़ तो नहीं रही है। अगर आपकी ये दोनों चीजें कंट्रोल रहेंगी तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता भी है तो आप उसको जल्दी से काबू कर सकते हैं। अगर आप इनको अनकंट्रोल्ड रखेंगे तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, 5 दिन की जगह पे वो बुखार जाए आपका 10-15 दिन तक जाएगा नहीं, और साथ ही साथ जो है सुपर एडेड इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी रहते हैं। तो ऐसे समय पे जरूरी है कि हम अपने बीपी शुगर के ऊपर बहुत ध्यान रखें, क्योंकि यही एक बीमारियां हैं जो हमारे कोरोना में भी हमें दिक्कत दी है जिन्होंने, तो इन बीमारियों के ऊपर खास तौर से हमारा जोर होना चाहिए। बिल्कुल, ये बीमारियां ऑलरेडी बड़ी सेंसिटिव हैं, आप जिनको ये बीमारियां हैं और जो खासतौर पर बुजुर्ग होते हैं उनको और ज्यादा सेंसिटिविटी जो है बहुत ज्यादा हाई होती है, तो अपना ज्यादा ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर गोपाल गोयल जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो बुजुर्ग हैं जिनको वायरल फीवर हो जाए, 7-8 दिन हो गए हैं फीवर हुए, कई बार ऐसा भी देखा गया कि 7-8 दिन बाद नहीं ठीक होता है वायरल फीवर, उसकी वजह से बॉडी में वीकनेस हो जाती है, तो किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाना चाहिए जहां पर एक बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग में हम इस तरह का कोई केस देखते हैं? तो देखिए जो एल्डरली पीपल है, एल्डरली पॉपुलेशन है, उनके लिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। अगर फीवर 7 से 8 दिन में नहीं उतरता है तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो वायरल फीवर ना हो। अब ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं उनको हो सकता है कोई कोमोर्बिडिटी हो, साथ में कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर है, अस्थमा है, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अब अस्थमा के पेशेंट है, सीओपीडी के पेशेंट है, उनको चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, शुरू में वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन ठीक हो गया लेकिन चेस्ट में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, उनको बलगम आता है, पीले रंग का आता है, खांसी ज्यादा है, तो ये एडिड इन्फेक्शन हो सकता है, या हो सकता है उनको शुरू से वायरल फीवर रहा ही ना हो, उनको प्रॉब्लम कुछ और हो, टाइफाइड हो या हार्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, या शुगर में कई बार रिकवरी भी डिलेड हो जाती है। जी। तो इनको सबसे पहले जो एल्डरली हमारी पॉपुलेशन है, अगर उनको 4-5 दिन में फीवर नहीं उतरता है तो उनको अपनी शुगर, हार्ट के टेस्ट, ब्लड प्रेशर, चेस्ट के लिए एक बार जांच करा लेनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो अगर 5 से 7 दिन में नहीं उतरता तो भी उनको सारे टेस्ट करा लेने चाहिए, जैसे मलेरिया का है, ब्लड कल्चर है, या टाइफाइड के लिए टेस्ट है जो कॉमन है, या कोई जोड़ों में दर्द तो नहीं है,
वो भी एक रीजन हो सकता है, या बुजुर्ग में कई बार मेलिग्नेंसी जो कैंसर होती है उसका भी एक फीचर कई बार फीवर से प्रेजेंटेशन आ जाती है। तो ये सिंपल ये मान के 7 दिन के बाद कि वायरल फीवर है, ठीक नहीं हो रहा, वीकनेस ज्यादा आ रही है, उनको निश्चित रूप से एक बार डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, सारे टेस्ट करा लेने चाहिए। अगर वो सब नेगेटिव आते हैं तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, कई बार डिलेड हो जाती है बुजुर्ग लोगों में, लेकिन उनको निश्चित रूप से एक बार सारे टेस्ट, एक्सरे, चेस्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, ये वैसे भी 6 महीने में कराते रहना चाहिए, और अगर फीवर है तो एक बार सारे टेस्ट जरूर। तो सही डॉक्टरी सलाह और अपने आप को डायग्नोस कराना बहुत जरूरी है, टेस्ट जो है वो आप कराते रहिए ताकि कोई बीमारी आती भी है तो वो समय से डिटेक्ट हो जाए और पता चले कि किस तरह की बीमारी आपको है। पूजा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका, अपना सवाल बताइए। सर मेरे को ना मतलब बॉडी पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है और मतलब आंखों में जलन हो रही है। जी डॉक्टर प्रशांत जी, मैं चाहूंगी आप इस सवाल का जवाब दें। हाँ मैडम, ये जो आपको बॉडी पेन है और आंखों में जलन है ये टिपिकल वायरल फीवर की निशानी है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो इक्रोसिन जो दवाई है वो जरूर लें, साथ ही साथ जो सिट्रस फ्रूट का सेवन जैसे कि नींबू पानी है उसका सेवन करें, और साथ साथ में अगर आपकी ये बीमारी बढ़ती है और खांसी वगैरह में तब्दील होती है तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं, क्योंकि खुद के ज्यादा जो है ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, एक डॉक्टरी सलाह के साथ ही जो है बाकी की दवाइयां ली जानी चाहिए। बिल्कुल, और उसके लिए टेस्ट भी जरूरी है, समय समय पे जो भी उचित टेस्ट होंगे वो भी करा करके उसका इलाज जरूरी है। बिल्कुल, समय पर इलाज बेहद जरूरी है, किसी भी बीमारी को हल्के में ना ले और उसका सही से उपचार जो होना बहुत जरूरी है। समय पर आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टरी परामर्श लें और पूरा जो अपना मेडिकल जो भी वो प्रोसीजर देते हैं, जो भी दवाइयां देते हैं वो लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो डॉक्टर गोपाल गोयल जी, जानना चाहूँगी आपसे छोटे बच्चों के बारे में, छोटे बच्चों को भी यदि जब वायरल फीवर होता है तो एक तो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है और उसके बाद में कई बार वो दवाइयाँ भी नहीं लेते हैं, इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और देखा गया है कि बच्चों में भी वायरल फीवर होने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए? देखिए छोटे बच्चे जो हैं उनको विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होता है, उनमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता कि कितना है, जैसे एडल्ट में हम मानते हैं 103 से ऊपर है तो डेंजरस है, ऐसे छोटे बच्चों में हल्का फीवर भी कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो छोटे बच्चों के लिए हमें विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है कि अगर बच्चा लिस्टलेस बोलते हैं, अगर बिल्कुल सुस्त पड़ गया है, जी, अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा है, या ऊपर से अगर कुछ हम दे रहे हैं वो नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उल्टी हो रही है, जी, फीवर है उसको, हल्का है या ज्यादा है, तेज है, अगर बच्चों में ऐसे फीचर आते हैं, मेनली क्या है कि अगर उस फूड लेना बंद कर देता है, अपनी माँ का दूध नहीं पीता है, या ऊपर से चाहे उसको दूध देते हैं वो भी नहीं पीता है, जी, और उल्टियां करता है, तो ऐसे बच्चे को हमें तुरंत हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, बच्चा सीरियस हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे में बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं आते हैं तो उसको टेस्ट से ही पता चलता है कि कहीं सेप्टिसीमिया में तो नहीं चला गया, वायरल फीवर है या कुछ और है। तो छोटे बच्चों में बहुत, जैसे 3 महीने तक के बच्चे में तो बहुत बार कई बार तेज फीवर आता ही नहीं है, तो ऐसे में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे में खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात सीरियस बीमारी की है कि बच्चा फूड देना बंद कर दे और बिल्कुल सुस्त हो जाए, रोए भी ना, रोते हुए भी उसको दिक्कत हो और कुछ खाए ना, ऐसे बच्चे को तुरंत बच्चों के डॉक्टर को दिखा। बिल्कुल, यदि बच्चा खाना खाना छोड़ रहा है तो एक सीरियस बात है। मीनाक्षी जी ने हमें कॉल किया है रोहतक से, बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी आपका, अपना सवाल बताइए। तो लगता है कि मीनाक्षी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। गोपाल गोयल जी लगातार हम बात कर रहे हैं और प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रशांत जी, हम डाइट की बात करें तो कहते हैं कि अच्छी डाइट से भी काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो वायरल फीवर में कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं क्योंकि खाया नहीं जाता, मन नहीं करता उस दौरान, लेकिन खाना खाना यदि छोड़ देते हैं तो फिर वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो किस तरह से डाइट को मैनेज करना चाहिए कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई भी पेशेंट तो वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे? देखिए एक तो बहुत जरूरी है कि हम डाइट का जो है हर समय पे ही ध्यान रखें। चलिए हम आपसे प्रशांत जी विस्तार से जानेंगे डाइट के बारे में। नंदिनी जी ने हमें कॉल किया, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। जी नंदिनी जी बताइए, अपना सवाल बताइए पहले आप। मैम मुझे ना हर रोज मतलब थोड़ी थोड़ी सी थकावट होने के बाद बुखार आ जाता है, ठीक है, क्या ये वायरल फीवर है या फिर ऐसे ही? डॉक्टर प्रशांत जी। मैडम ये आपको जो फीवर आता है ये किस कारण से आ रहा है, आपको कुछ आइडिया लगता है कि भाई क्यों जो शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ?
सर थोड़ा बहुत जुकाम वुकाम था, उसके बाद ये अभी 2-3 दिन से हो रहा है बस, हल्का फुल्का ही आता है, ज्यादा तेज नहीं आता, और मतलब बॉडी पेन और ये अब जुकाम भी ठीक हो गया, लेकिन बस हल्का फुल्का बुखार है और हथेलियां गर्म हो जाती है, पैर के तलवों में से पसीना आता है बहुत। देखिए जो बॉडी पेन है ये टिपिकल फीचर है वायरल फीवर का, और आपको इसके साथ साथ में कभी कभी कफ की शिकायत भी हो सकती है, नहीं तो हल्का फीवर, बॉडी पेन, आंखों में जलन, ये जो है वायरल फीवर के ही लक्षण है। और इसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि क्रोसिन आप अपना ओवर द काउंटर अवेलेबल है उसको ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 1-2 दिन भी जो है ये ले करके फिर भी लाभ नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर जो है आसपास के चिकित्सालयों में दिखा करके उस हिसाब से दवाई लें, और नियमित रूप से संतुलित आहार लें, और जैसे मैंने कई बार बताया कि नींबू पानी का सेवन इस समय पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है गर्मियों में, इससे एक तो ठंडक रहती है और साथ साथ में इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, तो इसका सेवन भी आप ले सकते हैं। कुछ कहा जाता है कि जो वायरल फीवर में काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प हर आदमी को नहीं करती है। बिल्कुल, तो डॉक्टर प्रशांत जी हम डाइट की बात कर रहे थे, बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छी डाइट लेना। लक्ष्मी जी ने चलिए कॉल किया, उनका हम रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी जी बताइए अपना सवाल। मैम मुझे ना अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जुखाम हो गया है। ठीक है, तो मेरे को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, एक भाई डॉक्टर सर से मुझे यही पूछना था। ठीक है, डॉक्टर गोपाल गोयल जी। देखिए अगर आपको सिंपल जुकाम है, गले में खराश नहीं है, फीवर नहीं है, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आप बार बार जो है वार्म वाटर आप पीजिए, पानी की कमी ना होए, जितना ज्यादा आप पानी पियेंगे उतना ठीक रहेंगे। इसके अलावा आप लिवोसेट्रिजिन की एक टेबलेट रात को ले सकते हैं। नाक अगर रुकती नहीं है तो कुछ नहीं करना आपको, आप आराम कीजिए, जुकाम 2-3 दिन रूटीन में रहता है, अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसके लिए आपने अगर बॉडी एक है तो एक पैरासीटामोल ले सकते हैं, अदरवाइज खाली सेट्रिजिन या लिवोसेट्रिजिन की टेबलेट लीजिए। आप वार्म वाटर वो आप बार बार पीजिए, इसमें मेनली पानी आप जितना ज्यादा आप पियेंगे खासतौर से निभाया तो वो आपको फायदा करेगा। इसके अलावा आप अगर दूध पीती हैं, चाय पीती हैं गर्म करके, उसमें तुलसी के पत्ते या अदरक डाल के भी पी सकते हैं, तो ये सफिशियंट है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ये एक जो है सीजनल बीमारी है, और इसके लिए हो सकता है आपको एलर्जी भी हो, तो अगर डस्ट से आपको एलर्जी है तो आप बच के रहिए, मास्क लगा के बाहर जाइए। डस्ट से एलर्जी होना भी बहुत कई बार जुकाम का कारण है। ठीक है, नाहन से कुलदीप जी ने हमें कॉल किया है, स्वागत है कुलदीप जी आपका, अपना सवाल बताइए। हेलो जी। हाँ जी मैम नमस्कार, मैं कह रहा था कि कुछ दिनों से ना पीठ पे थोड़ा पीठ में दर्द की समस्या रहती है, तो उसका क्या कारण है, फीवर वगैरह या क्या कारण, मौसम बदलने की वजह से ऐसा हो रहा है, वो डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा था। डॉक्टर प्रशांत जी, जो पीठ में दर्द की समस्या है उसके साथ में कोई खांसी, पीठ में दर्द की समस्या बता रहे हैं, जो पीठ में दर्द है उसके साथ में कोई खांसी जुकाम की समस्या आपकी है? पीठ का दर्द है बस, बैक पेन। अच्छा, बैक पेन है, तो आप जरूरी नहीं है कि ये वायरल फीवर ही हो, क्योंकि फीवर के आपके कोई सिम्टम्स नहीं है जी। तो आपको पोस्चर अपना देखना पड़ेगा कि किस कारण से ये दर्द आपको हो रहा है, अगर पोस्चर रिलेटेड है तो उसको सुधारने की जरूरत है, और अगर जो कोई चोट वोट लग गई थी या कोई चीज लग गई थी जिसके कारण दर्द है तो आपको पेन किलर लेने पड़ेंगे। ठीक है, पलवल से महेंद्र सिंह जी ने हमें कॉल किया है, स्वागत है महेंद्र सिंह जी आपका, अपना सवाल बताइए। जी मैम नमस्कार, मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी मौसम बदल रहा है और रिसेंटली अभी थोड़ी सर्दी हुई तो गला ऐसे रहता है जो कभी बिल्कुल ड्राई रहता है। ठीक है जी, डॉक्टर गोपाल गोयल जी, किस कारण से होता है? देखिए इस मौसम में ड्राइनेस की कॉमन प्रॉब्लम है जी, नाक में ड्राइनेस आना, गले में ड्राइनेस आना, बॉडी पे ड्राइनेस आना, ये बड़ी कॉमन है। अगर बॉडी पे है तो आप जैसे कोकोनट ऑयल है ये लगा सकते हैं, नाक में भी तेल लगा सकते हैं नहाने के बाद। गले में क्या है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रखनी है, अपने आप को पानी पिला के रखना है, आप दिन में काफी सारा पानी पीजिए, पानी के अलावा जो लिक्विड है आप जैसे छाछ है, दूध है, कोल्ड ड्रिंक है, ये आप रूटीन में लस्सी है आप ले सकते हैं, ये आप लेते रहिए, जितने आपका बॉडी में लिक्विड ज्यादा जाएंगे आपकी ड्राइनेस कम। तो इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा है तो कई बार च्युइंगम भी ईएनटी के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आप किसी ईएनटी के डॉक्टर से मिल लीजिए। यूजुअली जो ड्राइनेस है वो मेनली हाइड्रेशन से, प्रॉपर पानी पीने से, बॉडी में लिक्विड लेने से, इस सीजन में जो इस सीजन की ड्राइनेस है वो ठीक हो जाती है। अगर खराश है तो आपको सेट्रिजिन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको सिंपल
पानी या लिक्विड जितना ज्यादा लेंगे उसी से ठीक हो जाएगी, इसके लिए कोई खास चिंता करने की बात। बिल्कुल, तो डॉक्टर प्रशांत जी हम लगातार डाइट की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब मैं आपसे बिल्कुल फाइनल कमेंट अब जानना चाहूंगी, डाइट को लेकर किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या डाइट में इंक्लूड करना चाहिए कि इस तरह की बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकें। देखिए, अगर हम जो डाइट की बात करते हैं तो एक संतुलित आहार वो कहलाता है जिसमें हम अपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स इन सबको एक संतुलित मात्रा में पूरे दिन में ले लें। तो जैसा कि हमारा रूटीन है कि हम सुबह सुबह एक अच्छी डाइट जो है से शुरुआत करें, ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट टाइम से करें, लेट ना करें, क्योंकि जब हम टाइम से खाना खाते हैं तो हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कई बीमारियों को वैसे ही जो गुड बाय कर देते हैं। बिल्कुल, सुबह सुबह अगर आपका कोई भी स्नैक्स आप ले सकते हैं, उसमें आप दाल रोटी अगर खाने के आदि हैं या पराठे खाने के आदि हैं या जो भी चीज हैवी डाइट अगर हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो वो अच्छी बात है। ठीक है, दोपहर में कर्ड और दाल वो जरूर लें, एक कटोरी कर्ड, एक कटोरी दाल, साथ में रोटी जिस हिसाब से ली जाती है, और शाम को हम हल्का खाना खाएं ताकि वो हमारे शरीर के ऊपर हावी ना हो। बिल्कुल, और हमारे पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है जिससे। अच्छा, बीच में हम जो है चाय के साथ में बिस्किट या चाय के शाम को जो है चाय के साथ चाय ले लें या फिर फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक हेल्दी डाइट, और जो सीजनल फ्रूट्स हैं वही लें, ये जरूरी नहीं है कि हमें इस समय पे आम खाना है, इस समय पे जो संतरा है, अमरूद है, ये आ रहे हैं फ्रूट्स, जो अंगूर चल रहे हैं, इन्हीं का जो है शाम का सेवन करा जाए, और शाम रात में जब हम खाना खाते हैं तो उस समय पे हल्की डाइट लें, जिस भी तरीके की हमारे आम घरों में चलती है वो एक बैलेंस डाइट कहलाती है। बिल्कुल, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मात्रा एक संयमित रूप से ली जाए। बिल्कुल, छोटी छोटी सावधानी और बैलेंस डाइट यदि हम ले तो इस तरह के वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को हम बचा सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी, डॉक्टर गोपाल गोयल जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मौसम बदल रहा है, जरूरत है कि हम भी अपनी आदतों को बदलें और इम्यूनिटी जो है अपनी बॉडी की अच्छी बनाएं, पौष्टिक आहार लें और छोटी छोटी सावधानियां बरत के हम भी वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। आपका डॉक्टर में मेरे साथ बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।